हाँ फ्रेंड्स, मेरे पास में एक लेटर आया हुआ है गूगल एडसेंस की तरफ से, और इसमें है एक पिन जिसको यूज करके मैं अपने एड्रेस को वेरीफाई कर सकूं। दोस्तों, अगर आपका यूट्यूब चैनल है और अपने यूट्यूब चैनल को आज नहीं तो कल मोनेटाइज करना हर किसी की ख्वाहिश होती है, और उसकी 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप है कि आप आईडी वेरीफाई करो, सेकेंड स्टेप है आप एड्रेस वेरीफाई करो, और थर्ड स्टेप है आप बैंक अकाउंट डालो। दोस्तों, आईडी वेरीफाई मैं कर चुका हूँ, एड्रेस वेरीफाई मैं आप सबके साथ में अभी करूंगा ताकि मैं अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर पाऊं। दोस्तों, मैं आपको आईडी वेरिफिकेशन के स्टेप्स प्लस एड्रेस वेरिफिकेशन अभी हम लोग साथ में करेंगे, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके स्टेप्स के थ्रू आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज कैसे कर सकते हो। फ्रेंड्स, एड्रेस वेरिफिकेशन का ये एनवेलप ओपन करने से पहले हम लोग आईडी वेरिफिकेशन के कुछ स्टेप समझ लेते हैं, और उससे पहले आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस इसी तरह से देखते रहना है तो जाइए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं मेरे गूगल के ईमेल अकाउंट के ऊपर में, जीमेल अकाउंट के ऊपर, और वहाँ पर मुझे एक मेल आया हुआ है, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जिस तरह के होने चाहिए वो भी उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कैप्चर द एंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑल 4 कॉर्नर्स, आपकी इमेज जो है वो डार्क नहीं होनी चाहिए या फिर प्रॉपरली उसके कॉर्नर्स कट होने चाहिए, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आप इसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो आईडी वेरिफिकेशन के अलावा तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने की चांसेस है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके गूगल एडसेंस के जो नेम है आपका जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पैन कार्ड, आपका इलेक्शन कार्ड, या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो सपोज़ आप पैन कार्ड यूज़ करना चाहते हो, तो पैन कार्ड के ऊपर में जो नेम है वही नेम आपके गूगल एडसेंस के नेम से मैच होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल सेटिंग में, और मैनेज हुआ गूगल अकाउंट पे जाकर एक बार चेक कर लेना है कि आपके पैन कार्ड के ऊपर में जो नेम है वो आपके अकाउंट के साथ में मैच हो रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे बेसिक इन्फो में, अगर आपके नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या फिर जेंडर में अगर कुछ चेंजेस हैं पैन कार्ड के हिसाब से, तो वो आपको चेंज कर लेना है सबसे पहले, उसको सेव करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है, और आईडी वेरिफिकेशन के लिए गूगल एडसेंस के अकाउंट के ऊपर में आना है। सो फ्रेंड्स, आईडी वेरिफिकेशन को डिटेल में समझने के लिए मैंने स्टेप वाइज एक ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है digitalgurusanjog.com के ऊपर में, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो, और यहाँ पर मेंशन किया है मैंने कि किस तरह की प्रोसेस हो सकती है। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप है आपकी, जहाँ पर आपको अपने एडसेंस के अकाउंट के ऊपर आना है, और वहाँ पे एक्शन का एक टैब दिया हुआ है दोस्तों, उस एक्शन के टैब के ऊपर में आपको क्लिक करना है, या फिर आप पेमेंट के सेक्शन के पर जाकर वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा और एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको वेरीफाई नाउ का टैब आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई नाउ का टैब जब आ जाएगा आपको इसको टिक करना है, और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई योर आइडेंटिटी एक इस तरह का टैब ओपन होगा जहाँ पर आपको दिया गया है इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। दोस्तों, जैसे ही आप अपलोड करोगे आपका आइडेंटिटी वेरीफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको 24 आवर्स में एक ईमेल आ जाएगा जिसके थ्रू आपको कंफर्म किया जाएगा कि आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस फिनिश हो चुका है। सो फ्रेंड्स, मुझे आईडी वेरिफिकेशन का मेल जो है आप देख सकते हैं, गूगल एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये उसी वक्त आ गया था विद इन सेकेंड, और यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। सो दोस्तों, मुझे आया है 27th फेब सैटरडे 2:41 PM को, और सेम डे मुझे एड्रेस वेरिफिकेशन का मेल भी आ गया 27th फेब 4:26 PM। सो 2 घंटे के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन का भी मेल आ चुका है। सो चलो दोस्तों, समझते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन की स्टेप्स क्या है, मतलब पिन वेरिफिकेशन की स्टेप्स क्या होती है। सो फ्रेंड्स, आईडी वेरिफिकेशन के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, और इसमें ओपन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव साइट एजेस फर्स्ट, तो हमको इन एजेस को फर्स्ट यहाँ से काटना होगा, और बड़ी आराम से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट एज है, इसको भी हम लोग जो है रिमूव कर देंगे अभी, और अब हम लोगों को आईडी वेरिफिकेशन का कोड मिल जाएगा दोस्तों।
और यहाँ पर मेरा कोड जो है मुझे दिख रहा है, और साथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ स्टेप्स भी है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस दिया हुआ है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों कि स्टेप 1 में क्या होना चाहिए, स्टेप 2 में क्या होना चाहिए। स्टेप 1 में है साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट, उसके बाद स्टेप 2 है एक सेटिंग वाला आइकॉन है उसके ऊपर जाना है, हम लोग को टिक करना है ताकि पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाए, और थर्ड स्टेप में हम लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है वहां पे क्लिक करके एड्रेस का ये पिन जो है वो डालना है, और फाइनल स्टेप में आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से आपका एड्रेस वेरिफिकेशन का पिन वेरीफाई हो जाएगा। चलो देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड के ऊपर में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 31.65 का बैलेंस दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन तभी आ सकता है जब आपके अकाउंट में 10 या फिर उससे ज़्यादा डॉलर्स यहाँ पर आ जाए। सो दोस्तों, आपको एवरी 13th को गूगल एडसेंस अपने अकाउंट को अपडेट करता है और यहाँ पर बैलेंस चेंज हो जाता है। तो अभी एट प्रेजेंट 31.65 डॉलर दिखा रहा है दोस्तों, और मुझे वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस इस तरह का मैसेज आया हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है वी पोस्टेड अ पिन टू यू ऑन 27th February 2021, इट शुड टेक 2 to 4 weeks। तो दोस्तों 2 से 4 weeks लग जाते हैं मुझे एग्जैक्टली 2 हफ्ते के बाद में मेरे ऑफिस के एड्रेस के ऊपर में आपको जो पिन दिखा है वो डॉक्यूमेंट मिल गया था। अब दोस्तों मुझे वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए प्रोसेस काफ़ी ईजी है। यहाँ पे मुझे वेरीफाई इस टैब के ऊपर में जाना है, और जो पिन मेरे पास में है जो हम लोगों ने देखी थी थोड़ी देर पहले, उसमें से मुझे वो पिन यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, सो दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, तो तुरंत ये वेरीफाई हो जाता है दोस्तों, और मेरा एड्रेस वेरीफिकेशन डन हो गया। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेमेंट्स आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। सो हम लोग वेरीफाई कर लिए हैं, सो एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं मैसेज चेंज हुआ है या नहीं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं वो मैसेज चला गया है, और अब मेरा एड्रेस अप्रूवल हो चुका है। इसके बाद के स्टेप में दोस्तों हम लोगों को पेमेंट सेक्शन में जाना है, और पेमेंट में जाकर हम लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करनी है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग बैंक अकाउंट डिटेल्स यहां पे डालते हैं। सो फ्रेंड्स, आईडी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है अकाउंट वेरीफाई या अकाउंट ऐड करना, ताकि आपके अकाउंट में यूट्यूब पैसे ट्रांसफर कर सके दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, जिसमें आपको बताऊंगा स्विफ्ट अकाउंट डिटेल क्या होती है और वो कैसे लेना है, ताकि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होगे, क्योंकि स्विफ्ट अकाउंट के बिना इंटरनेशनल पेमेंट पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।